सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने कुछ कुछ सिंपल सिंपल सी एंट्रीज करी है, ठीक। उसमें से मैं तुम्हें कुछ कुछ आज रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। मतलब बीच में रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद ना आज आज हम करेंगे कुछ कुछ, जैसे मान लो कुछ डिफिकल्ट एंट्रीज होती हैं, ठीक है। ये सारी सारी कवर करेंगे, बस तुम्हें ना फोकस से सुनना है भाई। कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो मैं तुम्हें लास्ट में करवाऊंगा और बोलूंगा कि भाई बच्चों इस वाली एंट्री को याद कर लो, क्योंकि ये एंट्री तुम्हें समझ में उसी टाइम आएगी। देखो वैसे अभी भी आ जाएगी, लेकिन अच्छे से में ना जब तुम चैप्टर करोगे फाइनल अकाउंट, ठीक, उस टाइम तुम्हें बहुत अच्छे से आएगी वाली, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो मैं तुम्हें पहली जो आज जो एंट्री करवा रहा हूँ, मेरे पास है कि अगर मैं बोलूँ पेड इन टू बैंक, क्या बोला मैंने? पेड इन टू बैंक मतलब कि बैंक ने पेमेंट कर दी, पेड इन टू बैंक। इसका मतलब होता है मैंने क्या करा भाई, जो पैसे हैं बैंक में जमा कर दिए। तो मेरा कॉमन सेंस ये बोला भाई मेरे पास तक कैश कम हो जाएगा, ठीक है, और बैंक बढ़ जाएगा। तो बैंक नाम का असेट्स बढ़ रहा है और कैश नाम का असेट्स कम हो रहा है, ठीक। तो भाई असेट्स बढ़ने और घटने पे तुम डेबिट और क्रेडिट का रूल लगा लोगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो तुम्हारे पास बहुत ही सिंपल से एंट्री हो गई। हम अगली बात करते हैं भाई कि मैंने बोला कि ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ठीक। अब मेरे पास इसकी जगह दो चीजें आ सकती हैं। पहले मैंने बोला कि मैंने क्या किया भाई, बैंक से पैसे निकाले फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है, सुनो अभी, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो क्या बोला भाई मैंने, ऑफिस यूज। तो कॉमन सेंस की बात है कि हाँ ठीक है, मैंने बैंक से पैसे निकाले और ऑफिस यूज के लिए, तो कभी भी ऐसा मेरे पास आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि अगर मैं बैंक से पैसा निकालता हूँ, ठीक है, तो क्या जो मेरे बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, मेरे पास कैश क्या बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता भाई, ऑफिस यूज के बदले बोलता पर्सनल यूज, ठीक है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। चलो अब एक बात और है भाई, सुनो, मेरे पास एक एंट्री है यहाँ पे उसमें कह रहा है कि भाई पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भाई पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक है, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। अब सुनो भाई, इसके अंदर है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट चल रही है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, हमें पहले समझना है भाई, यहाँ पे हम यहाँ पे लोन की पेमेंट कर रहे हैं या इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि देखो पेड क्या पेड किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, जो मैंने बैंक से लोन लिया था उसमें मेरे पास इंटरेस्ट जा रहा है। तो यहाँ पे लिखूंगा, देखो यहाँ तो लिखूंगा मैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, भाई देखो मेरे पास होता है मैं कैश में पेमेंट कर दूं या होता है बैंक से कर दूं, बस हमारी क्या बोला मैंने, मेरे पास हो सकता है भाई मैं यहाँ पे कैश से पेमेंट करूँ या फिर बैंक से। लेकिन ना एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें समझ के चलनी है कि भाई देखो, कभी भी मेरे पास अगर ऐसा हो कि मैं तुमसे बोल दूं कि बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन की बात चल रही है, ठीक है, मैं कभी बोल दूं कि बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट करनी है, सबसे पहले अगर हम उसकी एंट्रीज करते हैं तो पहले वो हमारे जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, हमारे पहले लोन को बढ़ाता है, वो क्या करता है, हमारे पहले लोन को बढ़ा देगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक। लोन को जब वो बढ़ा देगा उसके बाद में उस लोन की पेमेंट कर दूंगा, होता है ना सा, ठीक है। देखो जैसे इसमें तो तुम कुछ बातें बता रहा हूँ, भाई ये वाली एंट्री तुम्हें बताए, मतलब कि मैंने तुमसे कहा था कि ये वाली तुम्हें बताया मैंने एंट्री, जब एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना, ये वाली एंट्री ये बताई यारी, बैंक से लोन लेने की बताई है। हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मेरे पास क्या कैसा बैंक होता है, ठीक है। अब सुनो भाई, मैं तुम्हें ना ये नॉर्मल सी बातें बता रहा हूँ, या देखो मैंने क्या बोला कि अगर मैं कभी भी ऐसा बोल दूं कि भाई तुम्हें इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट करनी है, ठीक, पहले समझो इस केस में होता क्या है, कभी भी अगर तुम्हारे पास ऐसा सीन आ जाए कि हाँ भाई तुम्हें इंटरेस्ट ऑन लोन है उसकी पेमेंट करनी है, तो हम पहले ये मान के चलेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है पहले हमारे लोन के अमाउंट को इंक्रीज कर देगा, ठीक। अगर लोन के अमाउंट को इंक्रीज करेगा, हम क्या समझेंगे, जो मेरा बैंक लोन है वो बढ़ जाएगा, बैंक लोन बढ़ेगा ना, और किसकी वजह से बढ़ रहा भी, इंटरेस्ट की वजह से, बस हमारी। तो एक तरीके से बोल दो मेरे पास इंटरेस्ट खर्चा है, ठीक
उसने मेरी दूसरी लायबिलिटी को बढ़ा दिया, ठीक है, इंटरेस्ट मेरा एक खर्चा है, ठीक है, उसने मेरी लायबिलिटी को बढ़ा दिया, और लायबिलिटी का नाम क्या, बैंक लोन, ठीक, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बोलो यारी बात समझ आ गई, ठीक है, ऐसा होता है। और फिर मैं अगर पेमेंट करता हूँ, ठीक है, मैं अगला बोल दूं कि भाई मेरे पास है लोन रिपेड टू बैंक, ठीक है, मैंने बोला कि हमने ना लोन की पेमेंट कर दी है, ठीक है, मैंने लोन की पेमेंट कर दी, तो फिर तो वही कॉमन सेंस काम करेगा कि बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश का बैंक अकाउंट, ठीक। अच्छा भाई देखो एक बात और होती है, मैं तुमसे कहा था कि हम ज्यादातर केस में ना कैश की ट्रांजेक्शन करते नहीं है, ठीक, जैसे मान लो एक इंसान है, अगर उसको बैंक के लोन की पेमेंट चुकानी होगी ना, वो चेक लिखेगा, ठीक है, और दे देगा, पता चेक लिखते वक्त क्या होता है, वो किसी दूसरे बैंक से पेमेंट उठाएगा और सारे बैंक को दे देगा, ये तो करेगा वो। या फिर देखो बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के अकाउंट में बैलेंस पड़ा होता है, ठीक, मान लो उनके FD का बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक, FD का बैलेंस छोड़ देते हैं वो और बैंक से लोन लेते हैं, क्योंकि FD का जो रेट है वो ज्यादा है, ठीक। कभी कैसा था कि देखो मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ, एक मेरे पास FD पड़ी तुम्हारे पास, ठीक है, दूसरा उसके मतलब लोन लेता है, FD पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको मान लो 12% मिल रहा है, और जो लोन का इंटरेस्ट है वो मान लो 9% है, ठीक, वो देखो भाई दोनों के बीच का फायदा है मेरे पास, वो लोन उठाएगा और FD जमा कर देगा। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, बैंक वाले पागल नहीं होते, ठीक, मैं फिर तुम्हें बता रहा हूँ कि कभी कभार बैंक ने अगर ऐसा कर दिया तो, ठीक है, तो FD मेरे पास 12% है और जो लोन क्या 9% है, इस केस में क्या होता है भाई, जो बिजनेसमैन होते हैं ना उसका बहुत फायदा उठाते हैं, वो बहुत हद से फायदा उठाते हैं, 1000 करोड़ का लोन ले लेंगे और FD करा देंगे 1000 करोड़ की, ठीक, बीच का जो 3% का उनके पास आ रहा है मसाला, समझे, ये चीजें होती है। तो लास्ट मेरे पास कहती है भाई कि मैंने लोन रिपेड टू बैंक, भाई ये दोनों थोड़ी एंट्रियां समझ के चलना, ठीक है, बच्चे इसमें गलती करते हैं, जैसे बोले पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, तो यहाँ पे ना बच्चे करते हैं इंटरेस्ट ऑन मतलब कि इंटरेस्ट ऑन मतलब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश का बैंक कर देते हैं वो, ठीक, तो अगर जिसको नहीं पता होता ना वो ऐसी गलती करते हैं हमेशा, ठीक है, तो लोन रिपेड टू बैंक, अगर मैंने लोन की पेमेंट कर दी है, ठीक। अच्छा अगर यहाँ पे लिखा था ना थ्रू कैश या बैंक अगर लिखा होता तो पेमेंट कर देते, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, समझो मेरे पास सिर्फ लिखा हुआ है कि देखो पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से ही भाई पेमेंट करिए तो कॉमन सेंस की बात है मेरा लोन और बढ़ जाएगा, ठीक। तो मैंने कहा ना ये सीन होता नहीं है हमारे पास, ये सीन कभी नहीं होता ये ज्यादा है कम है, ऐसा होता नहीं है। अब देखो तो मैंने कहा लोन रिपेड टू बैंक, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा लोन बैंक लोन अकाउंट डेबिट बैंक लोन अकाउंट डेबिट, देखो मेरे पास से लायबिलिटी थी, लायबिलिटी कम हो गई और मेरे पास, अच्छा सुनो मैंने क्या बोला, या तो मैं कैश से पेमेंट करूंगा फिर बैंक से, ठीक, इसमें क्या लिखा भाई, इसमें देखो कुछ वैसे मेंशन होगा नहीं, जहां तक है होता क्या है, मैंने क्या बोला चेक से पेमेंट करते हैं, जब भी ऐसा होता है ना वो चेक से पेमेंट करते हैं, तो मैं यहाँ पे बैंक डाल दे रहा हूँ टू बैंक अकाउंट, और रेफरेंस के लिए तुम किसी और बैंक का नाम भी डाल सकते हो, ठीक है, रेफरेंस के लिए तुम किसी और बैंक का नाम डाल सकते हो। कभी कर होता क्या होता है, एक बंदे ने 10 लाख का लोन लिखा होता है, ठीक, अब उस लोन को ना उसको पे करना होता है मान के चलो 5 साल के अंदर, अगर वो पे नहीं कर पाता ना तो बिजनेसमैन बहुत तेज होते हैं, वो क्या करते हैं एक और लोन ले लेंगे उसी बैंक से, हाँ उसको पे कर देंगे, ये ले मैंने लोन चल रहा है, ऐसा होता है। और कभी का होता क्या होता है, जैसे मान लो कि उसने पहले लोन लिया था उसका था 3% का रेट, पहले का जो लोन था 3% का रेट था, ठीक, अब क्या हुआ भाई उस जो अब जो नया जो रेट आया ना उसने देखा 2.9% है, कम है ना इससे, पता है 0.9% भी कितना तगड़ा प्रॉफिट होता है, मैं तो बता रहा हूँ 3% है, मान लो उसने 10,000 करोड़ का लोन लिया है, ठीक है, तो इस पर बहुत तगड़ा होगा, अब इतना कम किया ना बैंक वाले बोलते हैं, बैंक सोचते हैं क्या ही कर लेगा ये 3% है क्या ही कर लेगा, वो इतने से लोन उठा लेगा इसकी पेमेंट कर देगा, पेमेंट करता है और जो बीच का बच रहा है वो प्रॉफिट होता रहता है, तो बैंक वाले इसका फायदा बहुत उठाते हैं, ये तो मैं आगे बातें बताएंगे, ठीक है। अब सुनो ये वाली बातें क्लियर है, अब कुछ एंट्रीज और बता रहा हूँ भाई। अब देखो मेरे पास क्या होती है, एंट्रीज दो टाइप से आती है मेरे पास, एक आती है सिंपल एंट्री, दूसरे पास आती है कंपाउंड एंट्री, ठीक है, तो सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री में डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होता है। सिंपल एंट्री अगर मैं बोलूँ नॉर्मली जिसमें सिर्फ 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, ठीक है, क्या बोला मैंने, मेरे पास सिंपल एंट्री है, सिंपल एंड
कंपाउंड एंट्री। ठीक, तो भाई सिंपल एंट्री मेरे पास सिर्फ दो अकाउंट, सिर्फ मेरे पास सिर्फ का और दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तुम्हारा डेबिट होगा एक तुम्हारा क्रेडिट होगा। ठीक, मैंने क्या बोला, सिर्फ मेरे पास सिंपल एंट्री का तो सिर्फ दो अकाउंट इफेक्ट करते हैं, लेकिन मेरे पास कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड में मोर देन टू, मोर देन टू, अगर तुम्हारे एग्जाम में इसकी थ्योरी आती है ना, बस तुम देखो ऐसे लिखोगे सिंपल एंट्रीज आर दोस एंट्री इन व्हिच ओनली टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड और वन ऑफ देम विल बी डेबिटेड एंड अदर विल बी क्रेडिटेड। फिर फॉर एग्जांपल एग्जांपल डाल देने का, इतने में तुम्हारा आधा पेज भर जाएगा। अगर कंपाउंड की बात आ गई तो भाई इसमें वही है कि कंपाउंड एंट्रीज आर दोस एंट्री इन व्हिच मोर देन टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड। ठीक, तो इसमें फिर जाके इसका एग्जाम्पल देना है। ठीक, तो ऐसे वाले करवा चुका हूँ मैं तुम्हें, अब आते थोड़ा बहुत कंपाउंड एंट्री वाले के ऊपर। ठीक है, अच्छा अगर मैं तुमसे बोल दूं कि भाई मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है, इसकी एंट्री कर लोगे, करवा चुका हूँ वैसे, हाँ बैंक में पैसे जमा किए हैं, समझे कुछ, पेड इन टू बैंक। ठीक है, ये वही बात है भाई। अब मैंने तुम्हें एक बातें और कही थी कि मेरे पास कुछ कुछ चीजें आती हैं, मैं तुमसे बोल दूं कि तुम्हारे पास हुआ है कोई सा खर्चा, अच्छा रेंट पे किया है, ठीक है, या फिर मान लो और भी बहुत सारी चीजें होती है ना जो एक्सपेंस वगैरह पे करते हैं, मैं उसकी बात अगर तुम्हें बताऊं तो सबसे पहली चीज मेरे पास आती है कि मान लो मुझे कोई सा ऐसा खर्चा है इसकी पेमेंट करनी है, मैं तो बोल दू रेंट पे किया मैंने, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश का बैंक अकाउंट होगा, समझ गया वाली बात। अब इसी तरीके से मेरे पास होता क्या है, अगर मैं किसी को दे दू भाई एडवांस में, देखो पता क्या होता है, जैसे मान लो कि जब मैं अपने ऑफिस में काम करता ना, जब मेरा ऑफिस था तो उस टाइम जो मेरा जो बॉस था वो मेरे को पूरे महीने का किराया एक साथ देता। ठीक, तो अब ना मतलब और जो जने थे उसमें से कुछ बंदे ऐसे थे जो पर डे के बेस पे आते थे, तो मैंने जब ना पर डे के बेस पे आना शुरू किया तो मुझे पता नहीं था कि भाई एक्चुअल में मेरा खर्चा कितना आएगा यहाँ से घर जाने से वहां से आने तक, बस मैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि भाई मुझे मेरा खर्चा कितना आएगा। अगर मुझे पता नहीं होगा तो पहले देखें ना, बता तेरा घर कितना दूर है, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था, उसने गूगल पर डाला तो मेरा घर पता भाई इतना किलोमीटर दूर है, उसने मुझे उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड पैसे दिए, मतलब मोर देन एक्सपेक्टेड। हम सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है मैं पहले ऑनलाइन चेक करूंगा, आज तो बहुत सारे वेबसाइट है ना कि हाँ भाई इससे हम कॉल मार के पूछ लेंगे पता यहाँ से वहाँ कितने लेगा, वो तुरंत बोलेगा सर इतने रहेंगे, फिर ऑटो वाले को बाहर से बुला लो वो तुरंत बोलेगा सर इतने रहेंगे, तो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा दिया जाता है हमेशा। ठीक, एक्सपेक्टेड से जब ज़्यादा पैसे दे दिए जाते हैं उसमें से जो तुम्हारा खर्चा है वो माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो। मैं मान लो कि मेरा एक्सपेक्टेड मान लो 200 रुपये, मेरे बॉस ने मेरे को 300 रुपये दे दिए, तो एक्सपेक्टेड 200 था, उसने मोर देन एक्सपेक्टेड दिया। ठीक है, उसने मुझे एडवांस में दे दिया एक तरीके से, ऐसा थोड़ा मैंने पहले खर्चा कर दिया उसके बाद दे रहा है भाई, इन वर्ड को इस देखो, अगर मैंने खर्चा कर दिया अगर वो उसके बाद मुझे देता ना, उसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट, क्या बोलते थे, रीइंबर्समेंट। ठीक है, मान लो कि छोटे मोटे खर्चे होते हैं, मैंने कर दिया, फिर जाके मैंने बॉस से बताया बॉस कितना खर्चा आया, वो बोलेगा अच्छा इतना है बता मेरे को, मुझे तो बोलिए ना डिटेल दे दे, ये लो डिटेल, वो मेरे को करेगा रीइंबर्स। ये रीइंबर्समेंट हम पढ़ेंगे पैटी कैश बुक के अंदर, प्राइस स्कूल में पैटी कैश बुक, चलो वही देखते हैं। सुनो, मैंने क्या बोला कि कभी कभार एडवांस पेमेंट मिल जाती है, तो मैं उसको करवा रहा हूँ भाई, मैंने बोला कि एडवांस 5000 टू राजीव है फॉर ट्रेवलिंग, मेरे पास इसमें जो पहला करवा रहा हूँ एडवांस 5000 टू राजीव फॉर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के लिए भाई इसको 5000 रुपये दे रखे हैं। ठीक, सबसे पहली बात पता क्या होगी इसके अंदर, मैंने राजीव को एडवांस में दिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग एडवांस। अगर रेंट देता तो रेंट एडवांस ये होता ना, बात में आ रही है, तो अब ना वही नॉर्मल सी बातें चल रही है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई कि यहाँ पे ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अच्छा कोई तुम दोनों में समझ में भाई बताएगा कि यहाँ पे मेरे पास ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, इसके पीछे रीजन, हाँ डेबिट क्यों हुआ है, ये नहीं,
एक्सपेंस मेरे पास नहीं है, ये असेट्स है। एक असेट्स नहीं बन गई, एडवांस रेंट पे करता हूँ तो असेट्स बन जाती है। कहा था ना मैंने, जब भी हम कोई से एडवांस पेमेंट करते हैं मेरे पास वो असेट्स बनती है। कोई सा भी प्रीपेड एक्सपेंस, मेरा असेट्स है ना वो, तो प्रीपेड है ना, पैसे पे कर दिए मैंने। एडवांस बोल दो, प्रीपेड बोल दो, बात तो वही है। हम जो रिचार्ज कराते हैं हमारी टाइम एक टाइप से असेट्स है। हमने रिचार्ज करा लिया, एक महीना हमसे कोई किसी भी तरह का कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो एडवांस 5000 टू राजीव, मैं ऐसे लिखा भैया, मैंने यहाँ पे 5000, ठीक है, मैंने यहाँ पे 5000 लिखा, इसमें दिक्कत तो नहीं। पहले अगर मैं इसके थोड़ा जस्ट आगे बढ़ूँ भाई, अब मैं कह रहा हूँ कि राजीव ने ना 4750 रुपये का बिल थमा दिया बॉस के हाथ में। मैं ऐसा बोला भाई, मेरा ऑफिस था, ठीक, मैं भाई तुम्हें एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मान लो मेरे को 5000 रुपये मेरे बॉस ने दिए मेरे को, ठीक है। अब क्या हुआ, अच्छा बॉस तो कंपनी है ना वही, समझ के, तो बॉस ने मेरे को पैसे दिए होंगे। तो अब मैंने क्या किया भाई, उसने मेरे को, बॉस ने मेरे को 5000 रुपये दिए। 5000 रुपये देने के बाद मैंने बॉस के हाथ में बिल थमाया 4750 का, ये लो भाई, हो सकता है ना सर। तो अब यहाँ पे ये जो मेरा ये है कम हो जाएगा, ठीक। अच्छा मुझे बताओ कि अब जो मैं जो कंपनी को पैसे वापस करूँगा, चलो मैं अपना पहले कंपनी मान रहा हूँ, मैंने किसी को 5000 रुपये दिए कि बेटा ले या ट्रैवलिंग कर, ठीक है, तो उसको ट्रैवलिंग एडवांस नाम का मेरा असेट्स बन गया, बन गया असेट्स यहाँ पे, और मेरा कैश या बैंक जो कम होता कम हो गया। अगर अब वो बंदा आता है मेरे से बोलता है सर 4750 का खर्चा हो गया, मैं बोलूँगा बाकी पैसे ला, ये तो बोलूँगा, क्या बोलूँगा उसे, बाकी पैसे ला, समझे। तो ये वाली असेट्स मेरी खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो, ये असेट्स खत्म हो जाएगी, और खर्चा कौन सा बढ़ेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो बढ़ेगा। देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल, राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल 4750, ठीक है, इतने का। फिर राजीव ने मेरे को इतना बिल थमा दिया, ठीक, और फिर बोला उसने बैलेंस रिफंडेड, क्या बोला उसने, बैलेंस रिफंड, बोलो ये बात सुन आ रही है, क्या बोला मैंने, बैलेंस रिफंडेड है। उसने मेरे पास क्या है, जो बाकी के बचे हुए उसको उसने वापस कर दिए, इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही, एक मिनट। हाँ भाई मैंने क्या बोला, उसने कहा बैलेंस रिफंडेड है, ठीक है, बाकी बचे उसने कहा भाई रिफंड कर दिया। अगर वो इसको रिफंड करेगा तो देखो पहले कॉमन सेंस की बात, मेरे पास जो मेरा एक एक्सपेंस है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट मेरे पास क्या डेबिट होगा, ठीक है, कितने का खर्चा किया उसने 4750, वो बैंक उस कंपनी को मुझे कुछ पैसा लौटाएगा भी ना, मैं कंपनी हूँ, मैंने राजीव को पैसे दिए 5000 रुपये, उसने मुझे इतने का बिल थमाया, उसने बाकी पैसा वापस कर दिए, ठीक। तो मेरे को मेरे मेरे पास दोबारा से कैश का बढ़ जाएगा, कैश का मेरे पास दोबारा से डेबिट 250 से होगा ना, ठीक। और जो ये एडवांस मेरे पास जो था ट्रेवलिंग एडवांस वाला, ये खत्म हो जाएगा, ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट 5000। भाई तुम्हें पता है इन बातों को समझना है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक अकाउंट को सिर्फ इसीलिए ओपन करते हैं ताकि उसको यूज करके उसको बंद कर, देखो मैंने उसको ओपन किया पहले, ठीक है, यूज करके बंद नहीं कर दिया, अब हो गया ना। तो ये सारी बात सुनवाई कैसे कर रहा हूँ। अच्छा अब मुझे बताओ, कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि खर्चा 5000 के बराबर हो जाए, हो सकता है ना। तो खर्चा जब 5000 के बराबर होगा, इसमें मैं ना इस साइड लिखवा रहा हूँ, थोड़ा चलो यहीं लिखवा दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि व्हेन एडवांस इक्वल टू एक्सपेंस, क्या बोला मैंने, व्हेन एडवांस इज इक्वल टू एक्सपेंस, ऐसा होता है जो उसने एडवांस दिया है वो एक्सपेंस के बराबर हो जाए, हो सकता है ऐसा। तो मैं नॉर्मल सी बस इस एंट्री को पास करूंगा, नहीं 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 हाँ, बस ये कैसे हट जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 5000 और टू ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट 5000। बताओ इन बातों में दिक्कत आ रही कुछ, ये तो हो गया। अच्छा कभी कभार भाई ज्यादा भी हो सकता है, ये बातें मानते हो, कभी कभार ज्यादा भी हो सकता है, ये जो मेरे पास है जो एडवांस है, एडवांस से ज्यादा खर्चा हो जाए तो बंदा अपनी जेब से देगा ना वो, तो अगर अपनी जेब से देगा तो मुझे उसको दोबारा कैश देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं कंपनी हूँ, ठीक है, राजीव मेरे पास जॉब करता है, मैंने उसको दिए बेटा जा, ठीक 5000 रुपये ले जा घूम के आ,
वो मेरे पास घूम के आता है, तो फिर बोलता है कि सर बात ऐसी है 500 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च हो गए। अच्छा 500 खर्च हो गए एक्स्ट्रा, कैसे हो गए? तो बोलेगा वहाँ से मतलब कि ना उधर रूट अलग है। चल ठीक है भाई चला जा। तो मैं उसको अब कैश और 500 दूंगा ना, तो मेरे पास का कैश जाएगा ठीक। तो मैंने क्या बोला, अगला बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास व्हेन एडवांस इज लेस देन एक्सपेंसेस, जो एडवांस है मेरे पास क्या, वो एक्सपेंस से कम पड़ गया, और एक्सपेंस मैं कह रहा हूँ भाई मेरे पास 500 रुपये ज्यादा हुए हैं ठीक है, मेरे पास क्या एडवांस जो है 500 मोर है, तो ये मेरे पास क्या भाई 500 रुपये ज्यादा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो यहाँ पे करूंगा भाई मेरे पास जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 5,500 ठीक है, टू ट्रेवलिंग एडवांस अकाउंट 5,000, और फिर उसको मैं कैश दे दूंगा। हाँ कैश से या फिर उसको बैंक से पेमेंट कर दूंगा मैं ठीक है। पाँच इतने ऊपर ऊपर 5,000 नीचे 500 ठीक है। ये बात समझ आगे भाई? देखो अगर तुम्हें ना इसमें दिक्कत नहीं आ रही है इन एंट्रीज में, अगर तुम्हें इन वाले एंट्रीज में तुम्हें अगर दिक्कत नहीं आ रही ना, तो भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम अच्छा खासा परफॉर्म कर जाओगे। तुम्हें बस समझनी होती है ठीक है। इसी की तरह सेम ना तुम्हारे पास एक आएगा इंश्योरेंस वाला ठीक है, किसी के फॉर्म में। देखो मैं तुम्हें इसका ना इंश्योरेंस का हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि एक कोई बंदा है ठीक है, कंपनी में मान लो कंपनी में मैंने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा था। अब मान लो कि चलो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये ऐसे डस्टर बनाता हूँ मैं ठीक है, और डस्टर लगती क्या ठीक, तो इसमें क्या एकदम से आग लग गई, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। अब हुआ ऐसा मैंने इन सब जितने डस्टर ना इन सब का मैंने इंश्योरेंस करा रखा था, इंश्योरेंस था मान लो मैं 10,00,000 रुपये का ठीक। अब पता भाई इंश्योरेंस कंपनी वाले बहुत तेज होते हैं ठीक, क्योंकि हम तेज होते हैं, हम चाहते हैं कि भाई जो बचा हुआ है उसको छुपा लें हम ठीक है, और बाकी क्या है कि हम बोल देंगे सारा चल गया, होता है ना सा, सब तेज बनते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले पागल तो है नहीं भाई, उनके पास एक्सपर्ट बैठे होते हैं, वो बोलते हैं जा पता लग गया कि कितने का चला है, पूरा चेक करेगा ठीक है। वो बोल देगा कि अगर एक डस्टर जलने पे होता है, डस्टर उठाएंगे एक डस्टर जलने पे इतना इतनी राख बच रही है ठीक, बताओ बाकी की कहाँ है, बाकी की कहाँ है ठीक है। 10-15 गायब होते चलता है ठीक है, या तुम पूरी पूरी पेटी गायब करे पड़े 15-16, फिर वहां बोलेंगे बेटा ये वाला डस्टर कहाँ है, वो तो तुरंत पता लगा लेंगे। तो इस तरीके से होता है। अब हो सकता है कि 10,00,000 का इंश्योरेंस है, हो सकता है कि भाई तुम्हें 10,00,000 का 10,00,000 दे दे और उसके बाद उसका कम दे ठीक है, एक होता बिल्कुल ना दे, वो तुम पागल बना रहे हो हमारा, तुमने कुछ और चलाया यहाँ पे लाके। हाँ नहीं तुमने कुछ और चला दिया यहाँ पे लाके, ये तुम सारा सामान लेके कुछ और ठीक। अब देखो दूसरी बात ये होती है, अगर तुमने इंश्योरेंस कराया है तो मिलता है, यानी कि बिना इंश्योरेंस कराए बैठे हुए हो, ये बात समझ आ रही है भाई। उसके बाद मेरे पास एक अगला है। अच्छा अगर मैं इसी सेम तरीके से मैं किसी भी एक दुकानदार को, मैंने क्या बोला कि एक ना दुकानदार है ठीक, मैं उसको पेमेंट करके आ गया हूँ। ऐसा ऐसा होता ना कि जैसे मान लो, अच्छा जब ना मेरे को एक बोर्ड चाहिए था ठीक है, यार जब मेरे को बोर्ड चाहिए था तो मैं इस बोर्ड को लेके आने के लिए ना मैंने क्या किया था भाई, इसको पहले एडवांस पेमेंट करके आया था ठीक है। तो अब बिना एडवांस के उसने इसका मैन्युफैक्चर किया नहीं था, उसने बोला सर देखो थोड़ी पेमेंट करके जाओगे हम तभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे वरना नहीं करेंगे, कॉमन सेंस की बात है। मैं उसको लेने पास, अगर मैं उसके पास लेने नहीं गया उसका लॉस हो जाएगा ठीक है। तो सेम बातों को देखते हुए थोड़ा चलते हैं ना, तो बहुत सारी कंपनियां किसी भी चीज को खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट करके आती। थोड़ा सा मान लो कि मुझे कोई स्पेसिफिक मशीन चाहिए ठीक है, अब वो मशीन पूरे मार्केट में किसी के पास नहीं है, मैं जाऊंगा उसका ऑर्डर देने के लिए, तो बोलेगा सर थोड़े से ना एडवांस पेमेंट देके जाओ ठीक। तो इस एडवांस पेमेंट को हम अब उसकी एंट्री करने वाले हैं ठीक है। हाँ 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 ठीक है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई एडवांस फॉर मशीन 20,000, कौन सी दो एंट्री होगी, तीसरी है एडवांस फॉर मशीन रुपीज 25,000 है ठीक है, बाई चेक, चेक से किया है। तो भाई देखो जैसे मैंने यहाँ पे एडवांस किया था ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए, तो ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट, तो भाई मशीन एडवांस अकाउंट डेबिट, तो मशीन एडवांस अकाउंट डेबिट, और टू
कैश है, अच्छा बैंक है ना, ठीक है टू बैंक अकाउंट, 25,000 है तो 25,000 का, यहाँ पे भी 25,000 का, ठीक है बात सुन रही है। अच्छा भाई देखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करा रहा हूँ, उसमें रिपीटेशन होती है और रिपीटेशन वेस्ट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। मुझे पता है तुम्हें एंट्री आती है तो भाई क्यों उसका फोकस हो ज्यादा, ठीक ये चीज है। तुम्हें डाउट निकलते हैं तो डाउट पूछने कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। सुनो भाई, उसके बाद अगर मैं ऐसा बोल दूं, अच्छा बताओ इस मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। मान लो मैंने मशीन खरीद ली, ठीक है, तो मशीन पे लगता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक टाइप का मेरा इसको कैपिटल लॉस बोल सकते हैं, ठीक है, लॉस हो जाएगा ना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। क्या होता है डेप्रिसिएशन का मतलब? फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, तो मेरे असेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो असेट्स का नाम मान लो मशीनरी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। नहीं एक मिनट, मशीन तुम्हारा होगा क्रेडिट, तुम्हारा डेप्रिसिएशन लॉस है ना, लॉस बढ़ रहा है, सुनो लॉस तुम्हारा बढ़ा तो लॉस का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि मशीन की वैल्यू कम हुई है। तो ऐसा बोल दो मैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 1,000 है, तो क्या करूंगा भाई? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अच्छा भाई इसका पूरा चैप्टर है, ठीक है, इसका पूरा पूरा चैप्टर है। अगर तुम्हें मतलब कि पहले इतना सीखना कि हाँ भाई तुम्हें मजा आ रहा सीखने में, पता, हाँ पूरा पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। पता है मेरे पास अभी 12th के कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 11th में पढ़ाई नहीं करी थी ना, वो मजे के लिए 11th का पढ़ दे रहे हैं। उनको बस रिकॉर्डिंग पड़ी है, मतलब उन्हीं के टाइम की रिकॉर्डिंग पड़ी है, जब बच्चा लेटा था ना तो उनको रिकॉर्डिंग दे रखी थी, वही सारी है। अगर तुम बता ना कि हाँ भाई तुम्हारे स्कूल में चल चुका है, ठीक है, और तुम्हें करना है, मान लो कि स्कूल में भाई कुछ ज्यादा सुपर फास्ट स्पीड से कराते हैं बच्चों को, आए चाहना है वो बात अलग है, ठीक। चैप्टर नाम कैसेगा? कैसे, चलो उसको तो हो जाएगा आसान से। सुनो तो भाई अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात करूं, अगला मेरे पास है, अच्छा अगर मैं किसी क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा तो करवा रखा है मैंने क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश द बैंक, क्रेडिटर का नाम लिखेंगे, मान लो कि अमन है, ठीक है, तो अमन अकाउंट डेबिट टू कैश द बैंक। सुनो भाई अगर मेरे पास अगला तुम्हें बता दूं मैं, यहाँ देखो एक कोई मेरे पास डेटर था, थोड़े से ना इस एंट्री को तुम अपनी भाषा में लिख लेना, एक डेटर है मेरे पास, डेटर डेटर, ठीक है, एक डेटर है मेरे पास 52,000 का, ठीक है, कितने का है? 52,000 का है। इसने मेरे को पे कर दिया, पे 50,000 इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। पता है क्या होता है? एक डेटर मेरे पास है, ठीक है, बहुत दिन से, बहुत दिन से, ठीक, मैं ऐसा कह रहा हूँ भाई तू पैसे दे जा, भाई पैसे दे जा दे जा, वो देने नहीं आ रहा। मैं ऐसा कह रहा हूँ देख 52,000 है तू 50,000 दे जा, बोलेगा अच्छा मौका है, वो दे जाएगा मेरे को, ठीक। तो इस केस में मैंने उसको एक्चुअली ना डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास कैश या बैंक तो आ जाएगा, ठीक, और मेरा जो डेटर है वो चला जाएगा। चलो मैं डेटर का नाम ना कुछ ला दे रहा हूँ, ठीक है, अमन डाल दे रहा हूँ, अमन, ठीक है। तो मेरे पास पहला या तो कैश या बैंक आएगा, मेरे पास कैश या बैंक अकाउंट मेरा डेबिट होगा कितने से भाई? 50,000 से, क्योंकि जितने पैसे आएंगे वही करूंगा मैं, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ लॉस है, डिस्काउंट अलाउ लॉस है, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट कितने का भाई? 2,000 का मैं इसको डिस्काउंट अलाउ है, और डेटर क्या था? अमन टू अमन अकाउंट कितना भाई? 52,000। पता है उसकी नेशन क्या होगी? बीइंग द पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर अलाउइंग हिम डिस्काउंट ₹2,000। हाँ ये लेकिन तुम्हें डिस्काउंट का ना मेंशन करना पड़ेगा, हाँ भाई हमें इसको डिस्काउंट दिया है, ठीक है, पता भाई इसमें दिक्कत है कुछ। चलो अब कुछ बातें और बता रहा हूँ। अच्छा तुम कभी मॉल वगैरह में जाते हो, तुम देखा होगा तो छोटे छोटे कप बांट रहे होते हैं, वैसे कोल्ड ड्रिंक की, उनके पास नया कोई सा जूस आता है ना वो बांटते हैं, ठीक है, छोटे से लगा लेंगे। और पता ज्यादातर ना लिफ्ट के साइड में होते हो, लिफ्ट के साइड में लोग ना बहुत ही कम आते हैं, ठीक, मतलब कि एक बार आए फिर चले गए ऐसा होता है, तो लिफ्ट के साइड में लगा लेंगे कि कोई जा रहा है उन्हें दे दिया, कोई जा रहा है उन्हें दे दिया। तो ये क्या कर रहे हैं? वो अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो एज अ सैंपल बांट रहे हैं इसको, ठीक। तो अगर हम कभी भी अपने गुड्स को
डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज अ सैंपल, तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई सैंपल अकाउंट डेबिट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली बोले ना भाई हम उसको देखो या तो बोलेंगे सैंपल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, वैसे सैंपल बनता नहीं है, सैंपल क्यों बांट रहे, ताकि एडवर्टीजमेंट हो, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, मतलब टू में क्या आएगा, कैसे बैंक क्यों आएगा, हमारा क्या कम हो रहा है, हमारा स्टॉक कम होगा उसको देने से तो परचेज कम होगा, ठीक है, हमारा स्टॉक कम हो रहा है तो परचेज जाएगा। अच्छा अगर मैं ऐसे बोल दूं कि भाई मैंने चैरिटी दे दी, क्या क्या मैंने चैरिटी दी है, ठीक है, तो चैरिटी डोनेशन बात वही ना, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, डोनेशन अगर मैंने डोनेशन दिया किसी को और गुड्स में दिया डोनेशन, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, हाँ वैसे कैसे बैंक देते नहीं है, अगर बोलेंगे हाँ भाई डोनेशन दिया है कैश से, हाँ तो ले देंगे कैसे बैंक, ठीक। और अगर तुमसे ऐसा बोल दूँ कि भाई यहाँ पे हुआ क्या है, मैं बोल दूँ आग लग गई, ठीक है, आग लगी हमारा सामान जल गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और क्या खत्म हुआ हमारा गुड्स, ठीक है गुड्स खत्म हुआ ना, तो परचेज दोबारा कम हो जाएगा, ये वाली बात समझे भाई। अब ना ये सारी की सारी एंट्रीज मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि भाई एक्चुअल में इसके पीछे रीजन क्या होता है, ठीक है, परचेज क्यों कम हो रहा है, बार बार परचेज वैसे तुम्हें लग जाएगा पता, ठीक है, इतना पता लग गया होगा कि स्टॉक कम हो रहा है भाई, यहाँ पर परचेज ही कम होता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात आती है इसमें फायर वाली इंश्योरेंस वाली, ठीक है, ये वाली वीडियो तुम्हें जस्ट मिल जाएगी, इसको एक बार और देख लेना, पुरानी वीडियो मिल गई, ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं इसका आगे, कर उसमें नोट कर लो।